कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि चेस्टर्समिल नाम का एक शहर पहले आम शहरों की तरह ही था, लेकिन फिर वहाँ कुछ ऐसी भयानक डरावनी घटनाएं घटने लगी जिससे पूरा का पूरा शहर नर्क से भी बदतर बन गया। लेकिन आखिर वहाँ ऐसी कौन सी खतरनाक घटनाएं होने लगी, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बार्बी नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो एक डेड बॉडी को जंगल में दफना रहा था। बार्बी वहाँ का लोकल निवासी नहीं था और बार्बी के माथे पर लगी चोट को देखकर लग रहा था कि मरने वाले बंदे के साथ उसकी काफी ज्यादा लड़ाई हुई होगी। उस आदमी को दफनाने के बाद बार्बी अपनी कार में शहर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना शेरिफ नाम के एक पुलिस ऑफिसर की कार से होता है। उसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है जिससे उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है, लेकिन किसी तरह वो पुलिस से बच निकलता है। पर तभी कुछ गायें सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उनको बचाने के लिए बार्बी अपनी कार को एकदम से मोड़ देता है जिससे वो गायों से भरे खेत में पहुंच जाता है। इससे उसे थोड़ी चोट लग गई थी। कुछ सेकंड्स बाद वहां पर जमीन अर्थक्वेक की वजह से जोर जोर से हिलने लगती है कि अचानक आसमान से एक चीज बार्बी के सामने आकर नीचे गिरती है और सब कुछ शांत हो जाता है। बार्बी देखता है कि एक गाय आसमान से गिरने वाली उस चीज से 2 टुकड़ों में कट चुकी थी। वो डरा हुआ उस चीज को छूने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो एक इनविजिबल वॉल है जो इतनी शार्प थी कि इसकी वजह से कई घर भी 2 हिस्सों में कट गए थे। तभी वहाँ जॉय नाम का एक लड़का आकर उससे पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं। वो भी उस इनविजिबल दीवार को देखकर शॉक्ड रह जाता है। दूसरी तरफ शेरिफ और लिंडा को खबर मिलती है कि उस पूरे टाउन की पावर सप्लाई कट गई है, फोन लाइंस बंद हो गई हैं और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि सारे सैटेलाइट कनेक्शंस भी काम करना बंद कर गए थे। तभी शहर के ऊपर से उड़ रहा एक प्लेन उस इनविजिबल वॉल से टकराकर क्रैश हो जाता है जिसे देखकर लोग और भी ज्यादा घबरा गए थे। और ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये सिर्फ एक इनविजिबल दीवार नहीं बल्कि एक राउंड शेप डोम यानी गुम्बद है जिसने आधे शहर को कवर कर लिया है। वहीं दूसरी साइड हम एक रेडियो स्टेशन पर फिल और उसकी असिस्टेंट डोडी को देखते हैं जो सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज थे कि अचानक सिग्नल क्यों चला गया। यहाँ पर फिल को लगता है कि ये अच्छा मौका है उनकी रेडियो रेटिंग्स को हाई करने का, इसलिए वो दोनों सिग्नल को ठीक करने में लग जाते हैं। वहीं एक फायर ट्रक डोम की दूसरी तरफ से आ रहा था जिसे देख बार्बी ट्रक वाले को इस इनविजिबल वॉल की तरफ इशारा करता हुआ उसे रुकवाकर क्रैश होने से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं, पर इस इनविजिबल डोम को समझना उनके बस की बात नहीं थी। उसी समय वहाँ पर एक शहर का काउंसिलमैन जिसका नाम बिग जिम था वो भी पहुँच जाता है, लेकिन उसे भी इस डोम के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस शहर की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है क्योंकि उस डोम की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसके थोड़ी दूर घर पर जूनियर नाम का लड़का एंजी नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। एंजी पेशे से नर्स थी और जो की बड़ी बहन भी थी। इंटीमेट होने के बाद जूनियर एंजी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एंजी उसे कहती है कि वो उसके लिए ऐसा कुछ फील नहीं करती। इससे जूनियर का दिल टूट जाता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। यहाँ पर उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि एंजी उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम 3 लोगों की फैमिली को देखते हैं जिसमें मदर कैरोलिन, एलिस और उन दोनों की बेटी नोरी उसी टाउन की तरफ जा रही थी। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि डोम ने उस टाउन को कवर किया हुआ है। दूसरी तरफ हम जूलिया नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को देखते हैं जिसका चेस्टर्समिल शहर में बहुत नाम था। एक दिन एक औरत उसे एक सीक्रेट खबर देने के लिए कॉल करती है। वो औरत उसे बताती है कि उसने उस वीक चेस्टर्समिल में प्रोपेन से भरे 6 ट्रक को जाते हुए देखा है और उसके हिसाब से इतनी बड़ी क्वांटिटी में प्रोपेन जैसे फ्यूल का शहर में आना किसी खतरनाक प्लान का हिस्सा हो सकता है। जूलिया उस औरत को इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का वादा करती है, पर वो अपने काम में ज्यादा बिजी होने के कारण उस पर ध्यान नहीं दे पाती। वहीं बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी की अनाउंसमेंट करता है। कैरोलिन जो एलिस और नॉरी के साथ शहर में आ रही थी ये अनाउंसमेंट सुन लेती है, पर उन्हें लगता है कि ये किसी तरह का एडवर्टीजमेंट है, इसलिए वो इस अनाउंसमेंट पर ध्यान नहीं देती और उनकी कार डोम से टकराते टकराते बचती है क्योंकि उससे पहले दूसरी तरफ से आ रहा एक ट्रक डोम से टकराकर क्रैश हो जाता है जिसे देखकर वो तुरंत अपनी कार के ब्रेक लगा देती है। इतने बड़े इंसिडेंट को देखकर नॉरी के दौरे पड़ने लगते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो किसी पिंक स्टार के बारे में कहती है। अब यहाँ से नोरी को जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जो कि टाउन में होने वाली घटनाओं से घायल हुए लोगों से भरा पड़ा था। वहीं जूलिया और बार्बी घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल ला रहे थे। इसी हॉस्पिटल में जूलिया का हस्बैंड भी डॉक्टर था। वो उससे मिलने जाती है, लेकिन उस वक्त उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में नहीं था। हॉस्पिटल में जूलिया को पता चलता है कि उसका हस्बैंड संडे को कभी काम नहीं करता था, पर वो जूलिया को हमेशा झूठ बोलता आ रहा था। हॉस्पिटल के बाहर हम बार्बी और एंजी को मिलते हुए देखते हैं। दोनों को साथ देखकर जूनियर के अंदर एक अलग सी जलन पैदा होती है। वहीं अब टाउन के बॉर्डर्स को सैनिकों द्वारा सील कर दिया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को भी इस अजीबोगरीब मुसीबत का असल कारण नहीं पता चलता। पर कुछ घंटों बाद बिग जिम प्रोपेन के बारे में बात करने के लिए शेरिफ से मिलता है। यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनको इस डोम के बारे में पहले से थोड़ा बहुत पता था, पर वो इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे थे। वहीं बार्बी को उस टाउन में 1 दिन के लिए रुकना था, पर उसके पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अपनी कार में ही रात बिताने का फैसला करता है। तभी जूनियर उसके पास आता है और उसे एंजी से दूर रहने को कहता है। धीरे धीरे उसकी बात धमकी में बदल जाती है। भाभी हैरान होता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। इसी बीच वहाँ जूलिया आ जाती है, जिससे वो झगड़ना बंद कर देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाउन के ऐसे हालात से लापरवाह होकर एक जगह कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे। इनमें जॉय भी था। जॉय एक लड़के से वहाँ के हालात पर बात करने लगता है, लेकिन अचानक जॉय को दौरा पड़ने लगता है और वो पिंक स्टार के बारे में बोलने लगता है, जैसे कि पहले नॉरी ने बोला था। वहीं जॉय की बहन एंजी घर पर अकेली होती है। तभी अचानक उसके घर में जूनियर घुसकर उसको किडनैप करके अपने फादर के टूटे फूटे शेल्टर में ले जाता है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मुझे पता है शहर को कवर किए इस डोम के बारे में। यहाँ पर एंजी को उससे ये भी पता चलता है कि बिग जिम ही जूनियर का फादर है। जूनियर एंजी को ये भी बताता है कि उसके फादर अपनी फैमिली की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, इसलिए उन्होंने फैमिली के लिए ये शेल्टर बनाया था। वहीं दूसरी साइड जूलिया बाबी को अपने घर में ठहरने के लिए लाती है। तभी अचानक बाबी की नजर उसके हस्बैंड की फोटो पर पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि ये वही आदमी है जिसे उसने सुबह मारा था। दूसरी तरफ लिंडा और शेरिफ सभी व्हीकल्स पर नजर रख रहे थे ताकि कोई भी गलती से इस डोम से न टकरा जाए। तभी अचानक शेरिफ को अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ से हमें सुबह की घटना फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ बाबी टाउन में जूलिया के हस्बैंड जो डॉक्टर थे उनसे मिलने आया था। वो उनसे कुछ पेमेंट की बात करता है पर डॉक्टर उसे पेमेंट देने से इनकार कर देता है, जिस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और एक्सीडेंटली बाबी उसे गोली मार देता है। बाबी जानता था कि भले ही उसने उसे गलती से मारा है पर उसे इसकी सजा मिलेगी और इससे बचने के लिए उसने उसकी बॉडी को जंगल में दफना दिया। वहीं प्रेजेंट में सुबह उठकर बार्बी देखता है कि उसके गले की चेन गायब है, तो वो जूलिया से इसके बारे में पूछता है। जूलिया उससे कहती है कि वो उसकी चेन को ढूंढकर उसे दे देगी, पर तभी बाबी को याद आता है कि वो चेन उस केबिन में ही गिर गया था जहां उसने उसके पति को मारा था। उधर जॉय अपने फ्रेंड बेन के साथ था, जिसने पिछली रात सीजर के वक्त उसकी मदद की थी। बेन जॉय से पिंक स्टार के बारे में पूछता है जो उसने रात को दौरा पड़ते वक्त कहा था, लेकिन जॉय को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वहीं रेडियो स्टेशन में डोडी एक स्पेशल डिवाइस की मदद से डोम के बाहर वाले लोगों से कांटेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है। वो सोल्जर्स को आपस में बात करते हुए सुन सकती थी, पर वो उनसे कुछ नहीं कहती। वहाँ सोल्जर्स भी कंफ्यूज थे कि आखिर ये इनविजिबल वॉल क्या है। दूसरी तरफ बिग जिम रेस्टोरेंट में बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि लिंडा वहाँ आकर उसे शेरिफ के मरने की खबर सुनाती है, जिससे वो लोग तुरंत बंकर में डेड बॉडीज को दफनाने वाले के पास जाते हैं, जिसका नाम लेस्टर था। उधर एंजी शेल्टर में किसी को मदद के लिए बुलाने की पूरी कोशिश करती है पर वो कामयाब नहीं होती। तभी जॉय वहाँ आता है और उसे चेन के जरिए बेड से बांध देता है। वहीं बिग जिम लेस्टर को अपने साथ लेकर आता है, जो कि शेरिफ का ही दोस्त था। शेरिफ की मौत से वो बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। जब लिंडा उनके आसपास नहीं होती तब वो और बिग जिम पिछले महीने होने वाले प्रोपेन के इम्पोर्ट के बारे में बात करते हैं कि प्रोपेन के इम्पोर्ट में उन तीनों का ही हाथ था और उन्होंने टाउन वालों से ये बात छुपाई थी। शेरिफ की मौत से ये कंफर्म हो गया था कि वो उनकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाएगा, जो कि उनके लिए अच्छी खबर भी थी। उसी दिन बाद में लिंडा पुलिस स्टेशन आती है तो देखती है कि बिग जिम शेरिफ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा है। लिंडा के पूछने पर जिम उसे कहता है कि वो वहाँ शेरिफ की वसीयत के पेपर्स ढूंढ रहा है, लेकिन असल में वो वहाँ प्रोपेन के इम्पोर्ट से जुड़े पेपर्स को ढूंढने आया था, जो उसे और लेस्टर को परेशानी में डाल सकते थे। वो तुरंत बाहर आकर शेरिफ को बताता है कि मुझे लगता है वो पेपर शेरिफ के घर में होंगे, जिन्हें लाने के लिए वो लेस्टर को तुरंत उसके घर भेजता है। इसी बीच जूलिया जल्दी से रेडियो स्टेशन पर डोडी के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो लोग डिवाइस के जरिए डोम के बाहर खड़े सैनिकों की बातचीत सुन सकते हैं। उनकी बात सुनने पर जूलिया को पता चलता है कि वो लोग जमीन खोदकर डोम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो इस काम में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद जूलिया रेडियो के जरिए पूरे टाउन में डोम वाली खबर को फैला देती है, जिससे लोगों में डर पैदा हो जाता है और लोग घबरा जाते हैं। वहीं जॉय और बेन बॉर्डर के पास साइंटिस्ट को अपना काम करते हुए देखते हैं। साइंटिस्ट ये देखते हैं कि डोम के ऊपर पानी का क्या असर होता है, पर उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिससे वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। वहीं जॉय देखता है कि ये डोम एक छलनी की तरह है। वो बेन से बताता है कि इस डोम में से बिल्कुल मामूली सा पानी आर पार जा सकता है। दूसरी ओर बार्बी अपनी चेन ढूंढने जूलिया के हस्बैंड डॉक्टर के केबिन में जाता है। वहाँ उसे उसका चेन मिल जाता है, पर तभी जूनियर वहाँ आकर उसे देख लेता है। जूनियर उससे पूछता है कि क्या तुम एंजी के साथ सोए थे। यहाँ पर बार्बी को लगता है कि शायद उसने उसे चेन ढूंढते हुए देख लिया है और इसीलिए वो जूनियर को ऐसे ही वहाँ से जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो जूनियर को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि लेस्टर शेरिफ के घर पहुँचकर प्रोपेन इम्पोर्ट के पेपर्स को ढूंढने लगता है। कुछ टाइम बाद उसे वो पेपर्स ड्रॉवर में मिल जाते हैं, तभी वो उन्हें जला देता है। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसका पैर लगने से पेपर्स की आग घर के पर्दों पर लग जाती है, जिससे आग की लपटें पूरे घर में फैल जाती हैं और पूरा घर जलने लगता है, जिसे देखकर जल्दी ही बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। पर फायर ट्रक के बिना आग बुझाना नामुमकिन था। अगर वो लोग घर को जलने देते तो डोम के अंदर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता, जिससे लोगों की जाने भी जा सकती थी। इसलिए सब मिलकर आग बुझाने में लग जाते हैं। बाबी लोगों को आग बुझाने में लीड करता है। तभी लिंडा को घर के अंदर से लेस्टर की चीखने की आवाजें सुनाई देती है। वो अंदर जाकर उसे घसीट कर बाहर निकाल लाती है और इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेज देती है। यहाँ पर लोगों को आग बुझाने में 1 घंटे के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती, उल्टा आग और भड़क जाती है। आखिर में जिम लोडर लेकर आता है और घर को गिरा देता है। तब कहीं जाकर आग शांत होती है। इसके बाद सारे थके हुए लोग इकट्ठा होते हैं। उनमें से पॉल नाम का एक पुलिस वाला फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि हम सभी लोग इस डोम से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये डोम आग से जो धुआं निकला है उसे बाहर नहीं निकलने दे रहा। वो कहता है कि हम सभी इस डोम के अंदर ही मरने वाले हैं। इतना कहता हुआ वो हवा में गोली चला देता है, जो कि डोम से टकराकर एक दूसरे पुलिस वाले को लग जाती है और वो तुरंत मर जाता है। यहाँ पर पॉल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अंधेरा होने पर जॉय और उसके दोस्त स्केटिंग के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर नोरी जॉय के पास आकर उसे कहती है कि उसे अपना फोन चार्ज करना है। जॉय उसे अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसके घर में जनरेटर था, जो कि उस टाउन के गिने चुने घरों में ही था। उधर लिंडा पॉल को जेल लेकर आती है। वहाँ कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। असल में वो लोग पुलिस के घटिया सिस्टम का विरोध कर रहे थे। जिम उन सब को ये कहकर शांत करता है कि जरूरत पड़ने पर उन सबकी मदद की जाएगी। लॉकअप में बंद होने के बाद पॉल को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे लिंडा उसकी मदद के लिए दौड़कर अंदर जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पॉल सिर्फ अटैक आने की एक्टिंग कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर पॉल उसे धकेल कर उसे लॉकअप में बंद करके वहाँ से भाग जाता है। इधर बंकर में जूनियर फिर से एनजी के पास जाता है। एनजी समझ चुकी थी कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे जूनियर को झूठे जाल में फंसाना पड़ेगा, इसीलिए वो उससे अपने बचपन की यादें साझा करती है, जब वो दोनों एक बंद टनल में जाया करते थे, और कहती है कि हो सकता है डोम का टनल पर कोई असर नहीं हुआ हो तो वो लोग बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर एनजी सोचती है कि अब वो उसके प्यार के जाल में फंस गया है तो शायद वो उसे छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जूनियर अकेले ही उस टनल में जाने का प्लान बनाता है। वहीं जिम जब पुलिस स्टेशन में आता है तो पॉल की जगह लिंडा को लॉकअप में बंद देखता है। वो तुरंत उसे लॉकअप से बाहर निकालता है। उन्हें पता चलता है कि पॉल अपने साथ एक राइफल और कुछ गोलियां लेकर गया है। लिंडा तुरंत उसकी तलाश में जंगल की ओर निकल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि पॉल अक्सर शिकार करने जंगल की तरफ जाया करता था। वहीं जिम पॉल को पकड़ने के लिए एक टीम तैयार करता है। उधर रेस्टोरेंट में बैठी कैरोलिन को नॉरी की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो पिछली रात अपनी दोनों मदर्स को बिना बताए जॉय के घर रुक गई थी। वहीं जिम लोगों से पॉल को तलाश करने के लिए उसकी टीम ज्वाइन करने को कहता है। वो बाबी से भी उनके साथ चलने को कहता है, क्योंकि वो आग बुझाने में अच्छा लीडर साबित हुआ था। इसके बाद वो लोग जंगल में जाने लगते हैं। रास्ते में बार्बी अपनी खूबियां दिखाता हुआ उनसे कहता है कि वो मिलिट्री में भी रह चुका है। वहीं दूसरी ओर जूलिया जूनियर को टनल की तरफ जाते हुए देखती है। वो उसे रोककर पूछती है कि वो बैकपैक करके कहाँ जा रहा है, लेकिन जूनियर बहुत जल्दी में था और वो नर्वस भी था। वो कहता है कि मैं बस यहीं पास में अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। इससे जूलिया का शक उस पर और भी बढ़ जाता है और वो उसका पीछा करती हुई टनल तक पहुँच जाती है। उधर जॉय के घर पर जॉय और नॉरी साथ में नाश्ता कर रहे थे। जॉय पहले कभी किसी लड़की के साथ अकेला नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, जबकि नॉरी कॉन्फिडेंट थी और बातचीत में भी हाजिर जवाब थी। तभी बेन और 2 लड़कियों को अपने साथ लेकर उसके घर आ जाता है, जिन्हें फोन चार्ज करना था। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए बेन को जनरेटर यूज करना था, जिसके लिए जॉय बेन को थोड़ी बेदिली से इजाजत दे देता है, क्योंकि उस टाउन में जनरेटर एक बहुत काम की चीज थी और इस तरह उसका मिसयूज करना उसे सही नहीं लग रहा था। उधर जंगल में हम देखते हैं कि सर्च टीम पॉल को ढूंढ लेती है, पर उसी टाइम पॉल एक लड़के की टांग में गोली मार देता है। दूसरा लड़का भी उसे संभालने के लिए वहीं रुक जाता है, जबकि जिम और बार्बी पॉल के पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ जूनियर टनल के आखिरी सिरे पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि डोम ने टनल को भी कवर किया हुआ है। वो दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, जिससे उसकी टॉर्च जलने लगती है। तभी जूलिया वहां आकर उसे वार्न करती है। जूलिया को देखकर जूनियर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी। इस बात से जूनियर पागलों की तरह उस इनविजिबल वॉल को मुक्के मारने लगता है, जिससे जूलिया उसे रोकती है। फिर दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। जूलिया उसे बताती है कि अपने पास्ट में की गई एक गलती की वजह से वो जर्नलिस्ट की इस बेकार सी जॉब में फंस गई है। उधर जॉय का घर लोगों से भर जाता है, जो अपनी अपनी जरूरत के लिए उसके जनरेटर को यूज करने के लिए आए थे। एक बदमाश लड़का लोगों से जनरेटर यूज करने के बदले में पैसे वसूलने बोलने की कोशिश करता है जो कि उसका था ही नहीं, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। ये देखकर नॉरी सब कुछ हैंडल करने के लिए आगे बढ़ती है, पर मामला और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ गलत होता, तभी लाइट ही चली जाती है। नॉरी इस बात से बहुत खुश होती है कि जॉय ने उस बहस में उसका साथ दिया। वहीं जंगल में बार्बी और जिम पॉल तक पहुंच जाते हैं, पर पॉल ने अपनी राइफल निकाल रखी थी जिससे वो जिम को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से लिंडा आकर उसे शूट कर देती है। दूसरी साइड कैरोलिन जॉय के घर जाकर अपनी बेटी नोरी से मिलती है। वो नोरी से कहती है कि उसे थोड़ा जिम्मेदार बनना चाहिए। उसकी डांट सुनकर जॉय और नोरी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं जिससे एक स्ट्रेंज स्पार्क पैदा होता है और उसी वक्त दोनों को दौरे पड़ने लगते हैं। वो दोनों एक साथ किसी पिंक स्टार के बारे में बात कर रहे थे। उधर जूनियर शेल्टर में एनजी के पास जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में फर्स्ट एड किट थी। एनजी उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करती है और चुपके से सीजर अपने पास रख लेती है। वहीं हम देखते हैं कि जूलिया और बार्बी दिन भर की थकान के बाद वापस घर लौटते हैं, लेकिन जूलिया जूनियर की बातें सुनने के बाद से ही बार्बी पर शक करने लगी थी। और जब बार्बी नहाने जाता है तो जूलिया उसका सामान चेक करने लगती है